नमस्कार दोस्तों, इस वक्त की तमाम बेहद बड़ी खबरें, मुख्य समाचार आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं दोस्तों, जहां पर एक एक करके चलेंगे, दिन भर की सभी बड़ी खबरें आप तक आगे इसी वीडियो में पहुंचाएंगे। जहां पर दोस्तों पहली बड़ी खबर में जानेंगे, नितिन गडकरी ने अपनाए हैं बगावती तेवर, अपनी ही सरकार को घेरा, हर क्षेत्र में विफल बताया है, सोशल मीडिया पर वीडियो हुआ है तेजी से वायरल, क्या कुछ कहना है नितिन गडकरी का जानेंगे विस्तार से। इसके साथ ही बिहार में उलटफेर लगभग तय हो चुका है, 3 तारीख को महारैली में शामिल हो सकते हैं नीतीश, बड़ा दावा किया जा रहा है। इसके साथ ही बताएंगे कि महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन में हुआ है सीट शेयरिंग, और इसके साथ ही यूपी में एनडीए के अंदर सीट बंटवारे पर जबरदस्त नाराजगी, इसी प्रकार की तमाम बेहद बड़ी खबरें दोस्तों एक एक करके आगे इसी वीडियो में जानेंगे। खबरों की तरफ बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आप लोग भी खुले तौर पर यही मानते हैं कि आने वाले समय में राहुल गांधी देश का नेतृत्व कर सकते हैं, तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में #WeSupportIndia जरूर ही कमेंट कीजिएगा। पहली बड़ी खबर की तरफ बढ़ते हैं। मोदी सरकार में मंत्री नितिन गडकरी बोले, आज गांव, गरीब, मजदूर और किसान पूरी तरह से दुखी है, अच्छे रोड नहीं है, पीने के लिए शुद्ध पानी नहीं है, अच्छे अस्पताल और अच्छे स्कूल भी नहीं है, ये कहना है नितिन गडकरी का। यानी कि नितिन गडकरी के अनुसार देश के अंदर कोई भी काम नहीं हो रहा है। नितिन गडकरी ने आगे कहा है कि किसान की फसल को अच्छा भाव नहीं मिलता है, ये यहां पर कहना है मोदी सरकार के मंत्री नितिन गडकरी का। लगातार यहां पर दोस्तों बयान जारी करके अपनी ही सरकार को कई मौकों पर घेरते हैं, और माना जा रहा है कि इस बार के लोकसभा के चुनाव में बीजेपी उनको झटका भी दे सकती है। नितिन गडकरी का यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसको यहां पर कांग्रेस के प्रवक्ता सुप्रिया सरने से लेकर के यहां पर कांग्रेस के और भी कई अन्य नेता यहां पर शेयर कर रहे हैं। यानी कि जो देख सकते हैं कि नितिन गडकरी की बातों का अब विपक्षी दल भी समर्थन कर रहे हैं, और नितिन गडकरी ने यहां पर सच कबूल किया है, इसके लिए उनकी जमकर के तारीफ भी हो रही है सोशल मीडिया पर। दोस्तों आप लोगों के अनुसार आप लोग नितिन गडकरी के के समर्थन में है या फिर नहीं, कमेंट बॉक्स में अपनी महत्वपूर्ण राय हां या ना में जरूर ही बताइएगा। इसके साथ ही एक और बड़ी खबर की तरफ दोस्तों बढ़ते हैं। यूपी में सहयोगी दलों के लिए 6 सीटें छोड़ेगी बीजेपी, आरएलडी अपना दल निषाद पार्टी सुभाषपा के लिए मात्र 6 सीटें ही छोड़ने को राजी हो रही है बीजेपी। अपना दल और आरएलडी के लिए 2-2 लोकसभा सीट, निषाद पार्टी और सुभाषपा के लिए मात्र 1-1 लोकसभा सीट, वाराणसी समेत 56 लोकसभा सीटों के लिए प्रत्याशी लगभग तय हो गए हैं। वाराणसी से प्रधानमंत्री मोदी उम्मीदवार होंगे बीजेपी की तरफ से, यानी कि अब एनडीए के अंदर भूचाल आने वाला है दोस्तों। अपना दल, आरएलडी, निषाद पार्टी और सुभाषपा, जो कि ओम प्रकाश राजभर की पार्टी है, उनको यहां पर तगड़ा झटका बीजेपी देती हुई नजर आ रही है सीट शेयरिंग को लेकर के। इसके साथ ही दोस्तों आप लोगों को यहां पर बताते चलें, असदुद्दीन ओवैसी, जिन पर आरोप लगता है कि ये बीजेपी की बी टीम है, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM ने उत्तर प्रदेश में 7 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। यह सीटें हैं संभल, मुरादाबाद, अमरोहा, मेरठ, आजमगढ़, बदायूं, फिरोजाबाद। यह 7ों सीटें वह हैं जहां पर समाजवादी पार्टी के जीतने के आसार हैं, और यहां पर मुस्लिम जनसंख्या अच्छी खासी है। आपको तो पता भी होगा कि लोग अक्सर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM को बीजेपी की बी टीम भी कहते हैं, वो यहां पर यह साबित भी करते हुए नजर आ रहे हैं। और इस पूरे मामले पर विपक्षी दलों का कहना है कि ओवैसी बीजेपी के इशारे पर ही काम कर रहे हैं, ओवैसी का काम ही है वोट काटने का। बीजेपी और जेडीयू गठबंधन होने के बाद नरेंद्र मोदी पहली बार 2 मार्च को लोकसभा चुनाव का कैंपेन करने बिहार पहुंच रहे हैं, और अब खबरें आ रही हैं कि नीतीश कुमार विदेशी दौरे पर जा रहे हैं। समझ में नहीं आ रहा है कि नीतीश कुमार के मन में आखिर चल क्या रहा है, जब चुनाव प्रचार करना है तो नीतीश कुमार विदेश जा रहे हैं, मतलब नीतीश कुमार मोदी जी के साथ में मंच साझा नहीं करना चाहते हैं, कुछ ना कुछ तो नाराजगी चल रही है।
और वहीं असली खेल यहां पर अब लगता है कि शुरू हो गया है कि बिहार की राजनीति में अभी बहुत कुछ होना बाकी है दोस्तों, क्योंकि आप लोगों को बताते चले 3 तारीख को महागठबंधन की विशाल रैली होनी है, जिसमें राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, लालू यादव समेत तमाम दिग्गज नेता मौजूद रहेंगे। बिहार विधानसभा के एक महागठबंधन के सदस्य ने यहां पर दावा किया है कि 90% चांस है कि नीतीश कुमार 3 तारीख को तेजस्वी यादव की महारैली में शामिल हो सकते हैं। इसके साथ ही दोस्तों आप लोगों को यहां पर बताते चलें, आरजेडी के समर्थकों का सोशल मीडिया पर दावा है कि 3 मार्च को जन विश्वास रैली में राहुल गांधी के साथ में एक सरप्राइज गेस्ट भी आने वाले हैं, यानी कि इशारा नीतीश कुमार की तरफ ही है। दोस्तों बिहार की राजनीति के अंदर लगातार हलचल जारी है। इसके साथ ही एक और अपडेट की तरफ बढ़ते हैं, महाराष्ट्र से खबर आ रही है। महाराष्ट्र में सीट बंटवारे का संभावित फार्मूला सामने निकल के आ चुका है। 48 लोकसभा सीटों में से उद्धव ठाकरे की शिवसेना 20 सीटों पर लड़ेगी, कांग्रेस 18 और शरद पवार की एनसीपी को 10 सीटें मिल सकती हैं। ये यहां पर फार्मूला है और गठबंधन में जो अन्य सहयोगी दल हैं उनको सीटें यहां पर उद्धव ठाकरे की पार्टी देगी अपनी 20 सीटों में से। ये यहां पर दोस्तों महाराष्ट्र को लेकर के इंडिया गठबंधन का फार्मूला सामने निकल के आया है। तो वहीं अगली जो अपडेट आ रही है बताते चलें, चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर लड़ सकते हैं लोकसभा का चुनाव। वे वाल्मीकि नगर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ सकते हैं, ये यहां पर चर्चाएं तेज हो गई हैं। तो वहीं दोस्तों एक और बड़ी खबर आ रही है जहां पर बड़ा खुलासा हुआ, जो कहते हैं कि किसानों का कर्ज माफ करने के लिए सरकार के पास पैसा कहां से आएगा। उनको यह सूचना कि 15 लाख करोड़ का कर्ज माफ किया गया है उद्योगपतियों का। जी हां दोस्तों, किसी गरीब का नहीं, उद्योगपतियों का 15 लाख करोड़ का कर्जा माफ किया गया है सरकार की तरफ से। इतने में 15 करोड़ किसानों का 1 लाख तक का कर्जा माफ किया जा सकता है, या कह लीजिए 7.5 करोड़ किसानों का 2 लाख तक का कर्ज माफ किया जा सकता है, या एमएसपी की गारंटी भी दी जा सकती है। बाकी आप ही लोग यहां पर जोड़िए कि क्या क्या किया जा सकता है, जितने में मोदी सरकार अपने कुछ चुनिंदा मित्रों के लिए काम कर रही है। इसके साथ ही दोस्तों खबर बताते चलें, किसानों के प्रदर्शन से खबर आ रही है, जहां पर बताते चलें शंभू बॉर्डर पर किसानों की भारी भीड़ नजर आ रही है। रिटायर्ड फौजी, व्यापारी, अन्य राज्यों के लोगों का किसानों को यहां पर समर्थन मिलना शुरू हो गया है, जिसमें अब यहां पर महिलाएं भी शामिल हो रही हैं। व्यापारी वर्ग ने भी किसानों को अपना समर्थन दे दिया है। ये यहां पर दोस्तों देख सकते हैं कि किसानों का आंदोलन अब एक बार फिर से तेज होता हुआ नजर आ रहा है और राकेश टिकैत भी बार मैदान में उतर चुके हैं। ये यहां पर दोस्तों इस समय की आज की तमाम बेहद बड़ी खबरें दोस्तों मुख्य समाचार थे जो हमने आप लोगों तक पहुंचाए। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो दोस्तों अभी से वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा इन खबरों को, मुख्य समाचारों को शेयर कीजिएगा अपने सभी दोस्तों में, और चैनल पर न है तो दोस्तों चैनल को जरूर ही सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।